से बधाई देता हूं। के चेयरमैन उनके सभी सहयोगी और शिष्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़ा पावन दिन है। आज से 646 वर्ष पूर्व काशी की इस पावन धरा पर एक दिव्य ज्योति का, जिन्होंने भक्ति मार्ग सदगुरु रामानंद जी महाराज के सानिध्य में अपनी तपस्या और आज की फलस्वरूप मानवता के कल्याण का मार्ग किस रूप में प्रशस्त होता है, यह हम सबको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आज हम 646वीं पावन जयंती के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं। केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को, सभी भक्तों और श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों के प्रति अपनी लख लख बधाई देता हूं। जो बोले सो रुपये। हम सब जानते हैं भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सदगुरु ने सदैव महत्व दिया। ये बोलने बोल करके कि मन चंगा तो आज उस महान संत की जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में संतों भक्तों का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सामाजिक सुधार रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे। परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगा रविदास जी के न्याय, समानता
विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। लेकर एक सशक्त हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर विश्व पटल पर भारत को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।